फॉलोइंग डायलॉग इन पेयर सुधीर सुधीर नाम का लड़का नमस्कार सुधा नमस्कार महोदय यहाँ पर विसर्ग होगा क्योंकि वो मस्क्युलाइन है। सुधीर भवत्याह नाम किम सुधाह मम नाम सुधा भवतः नाम किम सुधीर मम नाम सुधीर भवती किम करोति सुधा अहम अध्यापिका अस्मि भवान किम करोति सुधीर अहम अपि अध्यापकः अस्मि। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो सुधा है यहाँ पर विसर्ग नहीं है क्योंकि फेमिनाइन है सुधा तो यहाँ विसर्ग नहीं है। अब मैं सुधीर नमस्कार हेलो सुधा बोल रही है नमस्कार महोदय हेलो सर या हिंदी में हम बोलते हैं आपको भी बहुत बहुत नमस्कार महोदय या श्रीमान। अब यहां भवत्याह भवत्याह मतलब लड़की के लिए आपका आपका नाम क्या है यहां पर सुधा बोल रही है मेरा नाम सुधा है। भवतः नाम किम आपका नाम क्या है आप देख रहे हैं भवत्याह भवतः मस्क्युलाइन है तो आपके लिए आप यूज करेंगे योर भवतः और गर्ल है तो भवत्याह। यहाँ पर देखिए मेरा नाम सुधीर है भवती किम करोती आप क्या करती हैं। अब यहाँ आपका था तो भवत्याह अब यहाँ भवती मतलब आप क्या करती हैं मैं हम देख रहे हैं आप यहाँ पर मर्विस लैंटिंग लाइन है क्यों क्योंकि उसके बाद स्वर है मैं एक अध्यापिका हूँ। भवान किम करोती यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ऐसे नहीं पढ़ा है इसको भवान ऐसे नहीं पढ़ा है भवान किम करोती मैंने पढ़ा है भवान किम करोती मतलब न आधा है आप क्या करते हैं। अहम अपि अध्यापकः अस्मि मैं भी अध्यापक हूँ मर्विस स्लैंटिंग लाइन स्वर की वजह से। नाउ प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड प्रॉपरली चरणौ प्रणमामः वागीश्वरी शरण्या रुचिरा भरणा पंकज मतिरास्ताम कुंठा विषहारिणी रिसाइट द फॉलोइंग लाइन्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेसेस एंड टोन्स आपको ये पढ़ना है तो आप ये पढ़ लीजिएगा तो ये भी आप बुक में नहीं लिखेंगे ये रीडिंग 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 रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फिर वही बात है रीडिंग हैबिट जो है आपकी वो डेवलप करने के लिए रिविजन में पूरा पेज इस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ वैसे ही आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इसकी रीडिंग करनी है। अस्माकं भारत देशे अनेकाः नद्यः सन्ति अस्माकं हमारे भारत देश में रामे लोकेटिव केस है ये सेवंथ डिक्लेनेशन सिंगुलर फॉर्म आप देख सकते हैं अनेकाह बहुत सारी नद्यः नद्यः मतलब एक और नद्यः मतलब बहुत सारी तो नदियां हैं गंगा यमुना साबरमती नर्मदा इत्यादयः गंगा यमुना साबरमती नर्मदा एटसेट्रा सर्वासु नदीषु गंगा श्रेष्ठा नदी अस्ति सर्वासु सभी नदीषु बालेषु मतिषु सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ नदी है निदाघे अभी तस्या प्रवाहो न शुष्यति उसका प्रवाह कभी भी उसका तस्या प्रवाह कभी भी शुष्क नहीं होता है शुष्यति दैट मीन्स सूखती नहीं है सा हिमालयात प्रभवति सागरम प्रतिवहती च अब यहाँ देखिए सा क्यों क्योंकि नदी है स्त्रीलिंग है तो सा यहाँ देखिए रामात फ्रॉम फिफ्थ डिक्लेनेशन हिमालय से प्रभवती उसका उद्गम स्थान वहां से शुरू होकर सागरम रामम सेकेंड डिक्लेनेशन सागर की ओर प्रति दैट मीन्स टुवर्ड्स की ओर बहती है वह हिमालय से निकलकर सागर की ओर बहती है
प्रयागे गंगायाः यमुनाश्चम संगमः भवति। प्रयाग में, प्रयागे रामे, सेवंथ रिक्लेंशन। गंगा श्च है, दैट मीन्स एंड, यमुना का संगम होता है, वहां मिलाप होता है, जिसको हम संगम स्थान कहते हैं, अगर दो या तीन नदियों का जहां पर मिलाप होता है। संगम स्थाने स्नाने न जनाः पवित्राः भवन्ति। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि संगम स्थान पर स्नान करने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां स्नान करने के साथ मन भी धोना पड़ता है। अगर नहाने से अगर ऐसे पाप धुल जाते तो फिर संसार में तो पाप होना बंद हो जाते ना, सब पाप करके संगम स्थान पर छोड़ आते, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पाप नहीं करना चाहिए। संगम स्थाने, संगम स्थान पर जनाह, जन एक, जनाह बहुत सारे लोग, प्लूरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट डिक्लेंशन। संगम स्थान पर लोग ऐसा मानते हैं कि लोगों का संगम स्थान पर स्नान करने से, स्नान के द्वारा, थर्ड डिक्लेंशन, रामेण लोग पवित्र होते हैं। धन्यम गंगा दर्शनम, पुण्यम गंगा जल स्नानम। गंगा दर्शन मतलब गंगा नदी के दर्शन करने से धन्य होते हैं, धन्य है, गंगा नदी के दर्शन करने से हम धन्य हो जाते हैं, और पुण्यम गंगा नदी के जल से स्नान करने से हम पुण्य लाभ मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि आप पाप धोने संगम स्थान पर जाएं, आप ना करें, वो बेटर है, क्योंकि लाइफ में सबसे अच्छी चीज है वेल डिसिप्लिन्ड, अच्छी तरह से आप लाइफ जिए। उसके बाद है आपका, हम आते हैं यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत। एकलव्यः किं पठितुम् इच्छति स्म, एकलव्य की क्या पढ़ने की इच्छा थी, मैंने आपको बताया था कृदंत यूज होता है यहाँ पर। एकलव्यः धनुर्विद्यायाः अभ्यासम कथम कृतवान, क्या किया था उसने अभ्यास करने के लिए। एकलव्यः कुकुरस्य मुखम कथम सीव्यत, किस तरह से उसका मुंह बंद कर दिया था। एकलव्यः अस्मान किम शिक्षयति, वो हमें क्या शिक्षा देता है। यहाँ से राइटिंग स्किल है आपकी, ये क्वेश्चन आंसर्स आप फाइंड करके रखिए, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल सेंड द ट्यूटोरियल डेफिनेटली आई विल राइट द आंसर्स, तो आप अपने आंसर से चेक कर लीजिएगा, लेकिन आप पहले लिखेंगे और मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, क्वेश्चन फॉर्म में करना है। गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नद्यः भारत देशे प्रवहन्ति। गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नदियां भारत देश में बहती हैं। तो आप क्या लिख देंगे, ये सारे नाम हैं, तो फर्स्ट डिक्लेंशन में आंसर लिखेंगे, तो और ये पूरी स्त्रीलिंग है, तो काह काह, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं ना, तो काह काह नद्यः भारत देशे प्रवहन्ति और क्वेश्चन मार्क। गंगा श्रेष्ठा नदी अस्ति, गंगा श्रेष्ठ नदी है, तो का नदी श्रेष्ठा अस्ति, कौन सी नदी श्रेष्ठ है। गंगा हिमालयात प्रभवती, अब यहाँ पर फिफ्थ डिक्लेंशन में आंसर है, तो क्वेश्चन भी फिफ्थ डिक्लेंशन में देख लीजिए। गंगा हिमालय से निकलती है, तो आप क्या लिखेंगे, गंगा कुतः प्रभवती क्वेश्चन मार्क। संगम स्थाने स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति, कुत्र स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति, कौन से स्थान पर स्नान करने से लोग पवित्र होते हैं, संगम स्थाने क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस, ये दोनों आप नोटबुक में करेंगे और ये जो है यहाँ बुक में ही आप कर दीजिएगा। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस इन संस्कृत, क्या है, डिस्टेंस पे है, तो दोज आर बुक्स, तानी पुस्तकानी, क्योंकि आप दिमाग में बिल्कुल ये रख लीजिए, एषः एषा एतत् सः सा और एते एताह एतानी ते ताह तानी, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सिंगुलर के लिए क्या हो गया आपका, एषः एषा एतत्, सिंगुलर मस्कुलाइन फेमिनाइन और न्यूटर यह के लिए, फिर सहसा तत्
ही शी इट। फिर एते एता एतानी, दीज टी एच ई एस ई, दीज मस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूटर, ते ता तानी, दोज मस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूटर। तो तानी पुस्तकानी, क्योंकि पुस्तकानी न्यूटर है। अहम युवक, टर्न द पेज देन, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट वेट, ओके। नाउ छत्रम, छत्रम भी जो है वो आपका न्यूटर है, ठीक है। तो याद करिए तत् छत्रम, क्योंकि एक छाता है, बुक्स बहुत सारी थी इसलिए तानी, और ये एक ही है, तो तत् छत्रम छाता है, तो म विथ स्लैंटिंग लाइन, छत्रम। तत् आपको लिखना आता है। अब ये देखिए तत् व्याघ्र, उसके बाद सा प्रतिमा मूर्तिम, तो ये आप यही कर दीजिएगा। और फिर जो आता है हमारा, ये आता है देखिए खेलांगणम, फ्रेम द सेंटेंसेस फॉलो द इलस्ट्रेशन, ये भी आप यही कर दीजिएगा। खेलांगणम गच्छाम, मतलब गच्छाम आ गया, तो आप याद रखिए परस्मै पद प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था मी वह मह सी थ ती तह अंति, उसके जो सफिक्सेस थे वो मैंने आपको बता दिए थे। आई वी बोथ वी ऑल, यू यू बोथ यू ऑल, ही शी इट दे बोथ दे ऑल। तो खेलांगणम गच्छाम मी वह मह, मतलब चलो खेलने जाते हैं, तो आप ऐसे बना सकते हैं। विद्यालयम गच्छाम, वनम गच्छाम, मंदिरम गच्छाम, और कहाँ जाना है, तीन तो मैंने बना दिए, और जहां जाना हो वहां का लिख दीजिएगा संस्कृत याद करके। उद्यानम गच्छाम, वनम बोल दिया जंगल में तो उद्यानम वाटिका, और आपणम दुकान, आपणम आपणम, ये देखिए भवान जानाति किम, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। पंच प्रसिद्ध महाकाव्यानि संति, क्वेश्चंस आ सकते हैं, डू यू नो, भवान जानाति, क्या आप जानते हैं, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैम आपने नहीं करवाया। तो ये आपको दो लिखने हैं नोटबुक में, बाकी जो नोटबुक में लिखना है मैंने बता दिया है। पंच प्रसिद्ध महाकाव्यानि संति, रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नयशीधियो चरितम, सो नयशीधय चरितम, संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्ध महाकवि, सॉरी संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्ध महाकविः कालिदासः, संस्कृत साहित्य के रामस्य, सिक्स डिक्लेंशन, प्रसिद्ध महाकवि का नाम कालिदास। आर रिविजन टू इज लेफ्ट, नाउ सी हियर, कंप्लीट द टेबल, कोष्ठक पूर्यतु। आप इजिली यू कैन फिल, यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है, आपके पास टेबल है, आप यहाँ पर वर्ड्स में लिख देंगे। दिस क्वेश्चन यू विल डू इन सी डब्ल्यू नोटबुक ऑल्सो। प्रकोष्ठे दत्तेन शब्देन प्रश्न वाक्यम रचयतु, फ्रेम द क्वेश्चन यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं आप सीखिए। यहाँ पर अहम, म विद स्लैंटिंग लाइन इसलिए है क्योंकि स्वर है, तो अहम अष्टवादने शालाम गच्छामि, अहम के बारे में बात हो रही है तो मी, मैं 8 बजे शाला जाता हूं, तो अहम कितने बजे, तो कति अष्ट डिलीट, कति वादने शालाम गच्छामि क्वेश्चन मार्क। दिस क्वेश्चन आल्सो यू विल डू इन सीडब्ल्यू। संस्कृत पुस्तकस्य मूल्यम 6 रुप्यकाणि अस्ति, तो कितना, ये है कितने काउंटिंग, और ये है हाउ मच, हाउ मेनी हाउ मच। संस्कृत पुस्तकस्य मूल्यम 6 रुप्यकाणि अस्ति, तो संस्कृत पुस्तकस्य मूल्यम कियत रुप्यकाणि अस्ति।
मम मित्रम जामनगरे वस्ति, कहाँ, कुत्र, वेयर, तो मम मित्रम कुत्र नगरे वस्ति, कौन से नगर में रहता है। उद्याने पुष्पम विकसति, क्या उद्याने किम विकसति, तो यहां पर किम के लिए अनुस्वार आएगा जब यहां किम होगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद व्यंजन है। राजशः मंदिर तह उद्यानम गच्छति, राजशः कुतः मतलब राजेश कहां से, तो मंदिर तह, तो राजशः कुतः उद्यानम गच्छति क्वेश्चन मार्क। और सेकेंड क्वेश्चन, राजेश मंदिर तह कुत्र गच्छति, राजेश मंदिर से कहां जाता है, राजेश कहां से बगीचे जाता है। बालकाः क्रीडनार्थम क्रीडांगणम गच्छन्ति, किस लिए, क्यों, वाय, बालकाः किमर्थम क्रीडांगणम गच्छति, इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। क्वेश्चन का योगेशः उद्याने अस्ति, योगेशः कुत्र अस्ति, यू कैन डू दिस। नाउ टर्न द पेज, ये देखिए राधा चिकित्सालय अस्ति, राधा कुत्र अस्ति, आप इजिली कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको सीडब्ल्यू में करना है। उसके बाद विरुद्धार्थानि पदानि वदतु, विरुद्धार्थ पदानि वदतु, अपोजिट वर्ड्स, शिक्षक बोल रहा है यहां पर, ये देखिए छात्रः अस्तु, ठीक है, तो शिक्षक ने बोला कोपः गुस्सा, तो छात्र बोल रहा है शांतता शांति, शिक्षक ने बोला धनिकः अमीर रिच, छात्र ने बोला निर्धनः गरीब, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। शिक्षकः साधु, दैट मीन्स बहुत अच्छा, प्रशंसा, असाधु बेकार, शिक्षक रे मूर्ख, छात्र श्रीमन बुद्धिमान, मूर्ख बुद्धिमान, शिक्षक अलम गच्छतु, अच्छा अब मैं जाता हूं, अलम मतलब कम, छात्र अपर्याप्तम, अलम मतलब बहुत, अपर्याप्तम अपर्याप्त, गच्छतु आगच्छतु जाओ आओ, शिक्षक उत्तिष्ठतु तो उपविशतु बैठो, खड़े हो जाओ बैठो, निर्गच्छतु बाहर की ओर जाओ, आगच्छतु अंदर की ओर। नाउ इन नंबर 25 75, तो यहां पर आप 75 कैसे लिखेंगे, संस्कृत फिगर में और इन वर्ड्स संस्कृत में, तो सी ऑन द नेक्स्ट पेज, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इट। ओके, अद्य सोमवासर, टुडे इज मंडे, ऋचा सार्धदशवादने विद्यालय गच्छति, यहाँ पर च है, ऋचा सार्धदशवादने विद्यालय गच्छति, ऋचा 10:30 बजे विद्यालय जाती है, प्रथमम सा प्रार्थनाम करोति, पहले वह प्रार्थना करती है, अनंतरम सा प्रार्थना सभायाम सुविचारम कथयति, आफ्टर दैट प्रार्थना के बाद वह प्रार्थना सभा में सुविचार कहती है, मतलब थॉट ऑफ द डे, तत्पश्चात सा वर्ग खंडे उपविशति, फिर वह अपने पीरियड में जाकर बैठती है, जो क्लास है वो जो रूम है उसमें जाकर बैठती है, तत्र सा विविधान विषयान पठती, वहां वह सभी तरह के, दैट मीन्स भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन करती है, विश्रांति काले सा पुस्तकालयम गच्छन्ती, जब रेस्ट होती है तो वह पुस्तकालय जाती है, तत्र सा सामयिकम पठती, वहां पर वह पत्रिका पढ़ती है, चतुर्वादने सा कलाखंडे विविधानि चित्राणि पश्यति, 4 बजे ऋचा सा कलाखंडे आर्ट रूम में अलग अलग चित्र देखती है, विविधानि चित्राणि पश्यति, 4:30 बजे सा क्रीडांगणे क्रीडति, 4:30 बजे
वह खेल के मैदान में खेलती है। पंचवादने विद्यालयतः गृहम् आगच्छति। 5 बजे विद्यालय से फ्रॉम घर आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर डिक्लेशंस का बहुत अच्छा यूज किया गया है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर रिचा थर्ड पर्सन, गच्छति विद्यालय को, वादने लोकेटिव 7th डिक्लेशन, और विद्यालय टू द स्कूल। प्रार्थना सभायाम, बालायाम प्रार्थना सभा में 7th डिक्लेशन। कथयति थर्ड पर्सन, वर्ग खंडे उसका जो वर्ग है, 6th A है, 6th B, 6th C, 6th D, 6th E, 8th A, 8th B, C D, जो भी रूम है उसका, वहां बैठती है। विविधान विषयान पठती, अलग अलग भिन्न भिन्न विषय। सा फेमिने, विश्रांति काले लोकेटिव 7th, पुस्तकालयम 2nd, चतुर्वादने लोकेटिव, कलाखंडे लोकेटिव, चित्राणि वनम वने वनानि डिक्लेशंस, चित्रम चित्रे चित्राणि, सार्ध चतुर्वादने लोकेटिव, क्रीडांगणे लोकेटिव, लोकेटिव विद्यालयतः 5th, फ्रॉम गृहम 2nd, मस्क्युलाइन, आगच्छति गृहम पे म विद सेंटिल है, उसके बाद क्या है स्वर है। रिचा कुत्र गच्छति, रिचा विद्यालयम गच्छति। तो यहां पर जो है आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। रिचा प्रथमम सा करोति, प्रथमम रिचा प्रथमम का करोति, रिचा प्रथमम प्रार्थनाम करोति। प्रार्थना सभायाम रिचा का कथयति, रिचा वर्ग खंडे किम करोति, रिचा वर्ग खंडे का पठती, विश्रांति काले रिचा कुत्र गच्छति, रिचा कलाखंडे किम पश्यति। इस तरह से आप रिचा कति वादने विद्यालयतः गृहम् आगच्छति, रिचा पंचवादने विद्यालयतः कुत्र आगच्छति। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, इन दिस टेबल देयर आर द नेम्स ऑफ ऑथर ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर, फाइंड देम विद द हेल्प ऑफ द टीचर। सो टीचर इज हेल्पिंग यू। स्क्रिप्चर हमारे संस्कृत के जो लेख हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके जो हैं ऑथर लेखक के नाम हैं यहाँ पर, जैसे वाल्मीकि। अभी अभिज्ञान जो है वो लेख है हमारा, तो व्यास ये ले सकते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो आपका लेख है, वो नहीं ले सकते हम। फिर वाल्मीकि ले लिया गया है। इस तरह से पहले ढूंढने का हम ट्राई करेंगे। अब हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आप भी जैसे विष्णु शर्मा, तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए और मुझे पिक भेजिए आप कितने ढूंढने में सक्सेस रहे यहाँ पर, कितने लेखक के नाम। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन 1 और रिवीजन 2 और फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो फिनिश होता है। लेकिन हमने यहाँ पे ये मंथ अक्टूबर में और नवम्बर पे लिया है जो 2nd टर्म में है, तो ये जो है आपके 2nd टर्म में पूछे जाने वाले लेसन हैं।